Good morning, student. Welcome to ABN Online Classes. I am here, your account teacher. Today we will be discuss chapter number 2nd, admission of new partner, नए साझेदार का प्रवेश. नए साझेदार का प्रवेश हम पढ़ने वाले हैं आज. और उस नए साझेदार के प्रवेश में हमने क्या पढ़ना है. कल हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, गुडविल, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले मैंने कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया था, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन को लेके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको सॉल्व करता हूँ. जब भी मैं कहता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाए वो आप सॉल्व करो, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं सॉल्व करके आपको समझा दूंगा. तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेवन. एक एग्जांपल था सेवन का, अमर बहादुर आर पार्टनर थे 3:2 में. अमर और बहादुर थे पार्टनर 3:2. ए भी लिखते हैं, अमर और बहादुर थे. वे एडमिट करते हैं मैरी को एज ए न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, 1/4. तो मैरी एडमिट होती है कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए. ऐसा ही है, 1/5 है क्या, किसको 1/4, 1/4 के लिए. और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमर और बहादुर का वो है 2:1. न्यू रेशियो क्या बोला है, न्यू रेशियो अमर और बहादुर का क्या है, 2:1. अब ऐसी कंडीशन है जो क्वेश्चन की जो डिमांड है हमें बस वो पूरा करना है और कुछ नहीं. अब ये बताओ, मैरी 1/4 के लिए आई, किसी से कुछ लिया गया, किसी से कुछ नहीं लिया, तो इसके अकॉर्डिंग तो कौन सी कंडीशन हो गई, इसके अकॉर्डिंग तो कौन सी कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई. फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, मैरी 1/4 के लिए, तो बैलेंस कितना बचा, 3/4. बैलेंस 3/4, और हम ये बैलेंस जो 3/4 होता है इसमें डिवाइड कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में. कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पहली बार आपको 2:1 दे रखा है, ये रेशियो क्या है मेरा, 2:1. तो हमें ये रेशियो, ये 3/4 किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है. किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में. तो चलो डिवाइड करते हैं कि अमर का रेशियो होगा 3/4, जो बैलेंस है उसका कितना लगेगा, 2/3. बहादुर जो है 3/4 जो उसका बैलेंस है उसका कितना लगेगा, 1/3. मल्टीप्लाई है ना, गुणा है, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से. 6, 12, 3, 12. और मैरी को कन्वर्ट करो, 1/4 के लिए है, सब पे नीचे कितने आ रहे, 12 आने के लिए किसी गुणा करना पड़ेगा, 3 से 3/12. नया रेशियो है 6, 3, 3, कट के क्या रहेगा, 2, 1. न्यू रेशियो 2:1. ये है ऐसा, ये निकालना, ये देखो बड़ा इजी, 1/4 नीचे कितने हैं, इसमें से ऊपर वाला शेयर लेते हैं कितना लेगा, बचा कितना, जैसे मैं कहूँ 1/5 कितना, 1/5, तो बचेगा कितना, आगे समझ में ऐसे मैं कह दूं 2/7, तो बचेगा कितना, 5/7. 7 में से 2 ले लिया तो 5/7 खत्म. मैथ के रूल पे मत जाओ, 1 - 1 + 4 पे कॉमन 4 3 + कुछ नहीं, सीधा 4 में से 1 2/4 हमेशा. चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन. तो ये मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि 7 का क्वेश्चन हमें समझाया जाए, और मैंने आपको 7 का स्टार्ट थोड़ा नेट को बता देगा. क्वेश्चन नंबर 18, वर्मा और शर्मा एक फर्म में साझेदार है,
लाभ हानि का विभाजन 5:3 में करते हैं। वे घोष को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। घोष पूंजी के रूप में 20,000 रुपए और अपने भाग की ख्याति के लिए 4,000 रुपए लाता है। आवश्यक रोज नामचा पुष्टि कीजिए, यानी क्या पुष्टि, जनरल पुष्टि और जनरल अमेरिकन पढ़िए। इसमें कंडीशन दी है ए बी सी डी, तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ए बी सी और डी। तो सबसे पहले ए, ए को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है ए में, जब ख्याति की राशि व्यवसाय में रखी जाएगी, जब ख्याति की राशि किस में रखी जाएगी, व्यवसाय में, ठीक है रखते हैं, तो वो पूंजी के 20,000 लाया, पूंजी कितने लाया 4,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल और टू गुडविल। भाई गुडविल के कैश अकाउंट या टू गुडविल, और कैपिटल भी तो लाया, तो कैश अकाउंट या टू कैपिटल, तो एक एंट्री बना दी, कैश अकाउंट या टू घोष कैपिटल और टू गुडविल। गुडविल के कितने लाया 4,000, तो गुडविल के तो 4, कैपिटल गेन 20, टोटल 24। पहले एंट्री हो, फिर इस गुडविल को किसने बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो, बताया था ना, ओल्ड गुडविल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट या टू, और ओल्ड पार्टनर कौन है, वर्मा और शर्मा, तो लिखो गुडविल अकाउंट या टू वर्मा टू शर्मा।
सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ये म्यूट हो गया ना। अब आ रही है सिद्धि, सिद्धि अब आवाज आ रही है सर, आ रही है। ओके हाँ आ रही है सर। तो देखो इसके अंदर ए पॉइंट था, वापस बता रहा हूँ, ए पॉइंट था उसमें सिर्फ कैपिटल और गुडविल आई और गुडविल बांट दी गई वर्मा शर्मा में, पास नहीं में क्या क्या पास है, कुछ नहीं बोला क्या क्या पास पास नहीं है। बी में क्या हुआ, गुडविल और कैपिटल आई, गुडविल बट गई और पूरी राशि गुडविल की निकाल ली गई, तो निकालने की एंट्री हो गई वर्मा अकाउंट डीआर शर्मा अकाउंट डीआर टू कैश। तीसरा पॉइंट सी पॉइंट, अब सी पॉइंट को कर रहे हैं, सी पॉइंट में बोला है आधी राशि निकाल ली, कितनी राशि निकाल ली आधी, तो ये एंट्री तो सेम होगी गुडविल बटेगी, लेकिन यहाँ कितनी राशि निकाल ली है आधी, तो ये चेंज हो जाएगी, इसको कर दो 1250, 750 और 2000, ये सी पॉइंट के लिए है, ये किस पॉइंट के लिए है, सी पॉइंट के लिए। सर पहले वाला समझाओ, समझ में नहीं आया। हाँ बेटा वापस से समझाओ, समझ में नहीं आया, पहले म्यूट था ना इसलिए। सी वाला? हाँ सर। चलो सारे वापस से समझाता हूँ, सुनना सारे वापस से, लिखा तो होगा आपने, देखो लाओ आपने लिख रखा है ए बी लिख रखा है। अच्छा अच्छा सुनो, वापस से एंट्री बोल रहा हूँ। ए पॉइंट सबसे पहले घोष कैपिटल के 20,000 और गुडविल के 4,000 आएगा, तो ये एंट्री तो सबने सेम होगी, कैश अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल और टू गुडविल, गुडविल कितने 4,000, कैपिटल के 20,000, टोटल कैश कितनी आई 24,000, ये तो सेम है। दूसरी एंट्री तुरंत गुडविल बटेगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू किसके बटती है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कौन है वर्मा और शर्मा, किस रेशियो में बटती है क्या के अनुपात में, और मैंने बताया था कुछ नहीं बोलता क्या के अनुपात क्या होता है पुराना अनुपात, यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है तो पुराना अनुपात क्या के अनुपात, मैंने कितना 5 दिन के बाद बट गया, पहला पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट में क्या बोला था कि गुडविल की पूरी राशि निकालनी थी, तो पहली एंट्री तो यही हो जाएगी, दूसरी यही हो जाएगी, और तीसरी एंट्री कितनी वर्मा शर्मा अकाउंट डीआर की कैश और कितनी पूरी राशि निकाल देना 2500, 1500 और 4000। तीसरे टॉपिक में क्या बोला है, आधी राशि निकालेंगे, कितनी राशि निकालेंगे आधी, तो पहले एंट्री तो सेम, दूसरी एंट्री बटेगी सेम और तीसरी में आधी राशि निकाल दो, 2500 है तो आधी, 1250, 1500 है तो आधी, 750 टोटल कितनी निकलवा दी, तो खत्म। सी पॉइंट पूछो भाई और कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, ये बेटा तुम पॉइंट नंबर डी क्या बोला है, जब ख्याति का भुगतान निजी रूप से कर दिया जाए, ख्याति भुगतान किस रूप से किया जाए, तो क्या ख्याति की एंट्री होगी या नहीं होगी, निजी रूप से करते तो कल लिखा है ना, निजी रूप से करने पर कोई प्रविष्टि नहीं होती, तो गुडविल की कोई प्रविष्टि नहीं करती, सिर्फ एक प्रविष्टि कर लो कैपिटल की, क्या हो जाएगी कैश अकाउंट दिया टू घोष कैपिटल, कितना 1,000, 30,000 कैश अकाउंट दिया टू घोष कैपिटल, कितना 1,000, 20,000।
बॉश कैपिटल बिजनेस। गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, ना चार दर आने की, ना बटने की, ना निकालने की, कोई प्राइवेटली नहीं है, निजी रूप से या निजी रूप से देने की कोई पुष्टि नहीं होगी। तो ये चार पुष्टियां हो गई गुडविल को। फर्स्ट कुछ नहीं बोला, गुडविल आई और बटी और कुछ नहीं। सेकेंड आधी निकलवाई तो आधी निकाली। थर्ड पूरा किया, पूरा निकाली तो पूरी निकाली। फोर्थ निजी रूप से थी तो कोई पुष्टि नहीं थी। और ये सब चीजें मैंने थ्योरी में दिखाई थी ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हुआ, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं, 3:2 अनुपात में बांटते हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं। सी पूंजी के लिए 30,000 रुपए और ख्याति के लिए आवश्यक राशि रोकड लाता है। आवश्यक राशि रोकड लाता है यानी हमें बताना होगा कितना लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 है। देखो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना है, 20,000। नया साझेदार कितने के लिए आया, 1/4 भाग। तो 20,000 का 1/4 कितना होता है, 5,000। यानी बताओ वो कितने रुपए लाएगा टोटल के, 5,000। सी बोला था ना मैं अपने खर्च के नगद लागू कर, लेकिन ये नहीं बता रहा कितने लाऊंगा। तो हमने बता दिया उसको जो पर्सन ने क्या है, फर्म की गुडविल दी, फर्म की गुडविल कितनी है, 20,000। उसका हिस्सा कितना है, 1/4। तो 20,000 का 1/4 कितना होता है, 5,000। तो उसको गुडविल कितनी लानी है, 5,000। रोज नाम से आप पुष्टि कीजिए तो पुष्टि स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो पुष्टि करो कैपिटल और गुडविल आने की, कैश अकाउंट दिया। टू नया पार्टनर कौन आया है, सी। टू सीज कैपिटल और टू गुडविल। गुडविल कितने लेके आया, 5,000, 5,000। कैपिटल कितने लेके आया, 30,000। टोटल कितने लेके आया, 35,000। गुडविल को क्या करो, बांट दो। किसमें बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स। कौन है ओल्ड पार्टनर, ए और किस रेशियो में बांटोगे, त्याग के अनुपात में। किस अनुपात में, और त्याग का अनुपात जब कुछ नहीं बोलता तो पुराना अनुपात होता है। लेकिन एक जगह मैंने त्याग के अनुपात में आपको निकाल के टाइम बोला था, अगर प्रश्न में नया और पुराना दोनों देते, नया भी दे और कौन सा देते, तो त्याग का अनुपात निकाल लेना। सूत्र क्या है, पुराना माइनस नया, पुराना माइनस। तो देखो प्रश्न में वर्किंग नोट में जाएंगे, ए बी का पुराना अनुपात दे रखा है कितना है, 3:2, जबकि नया अनुपात ए बी सी का 2:1:1, 2:1:1। तो देखो त्याग का अनुपात निकालते हैं, ए बराबर पुराना माइनस नया ना, तो पुराना कितना है, 3/5 माइनस नया 2/4 लघुत्तम 20, 12 माइनस 10 2/20, बी बराबर पुराना 2/5 नया 1/4 लघुत्तम 20, 8 माइनस 5 3/20। नीचे 20 पड़ेगी, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, यानी गुडविल किस रेशियो में देगी, 2:3। अगर बाय द वे आपने पुराने में 3:2 बांट दिया होगा, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में पुराने अनुपात में ही बटी थी। क्यों बटी थी पहले वाले प्रश्न में पुराने अनुपात में, क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो पुराना अनुपात क्या हो गया, त्याग का अनुपात। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नया पुराना दोनों दे रखा है, तो नया पुराना दोनों दे रखा है, तो त्याग का अनुपात निकाल लो, जो अनुपात है उसको उसे कहते हैं त्याग का अनुपात। गुडविल अकाउंट दिया,
टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, गुडविल के 5000, टू थ्री में 2000 और 3000 गुडविल का पैसा बच गया। क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त, दो एंट्री होंगी, कैपिटल गुडविल आया, गुडविल बढ़ गया, कौन से अनुपात में, त्याग के अनुपात में। कुछ चॉइस में किसी को डाल दो, दो क्वेश्चन हो गए अब तक, अगला निकालते हैं। यहां तक कोई चेहरा दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आरती और भारतीय क्रम में 3:2 के साझेदार हैं, वे सारथी को लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रेषण प्रवेश देते हैं। सारथी स्टैंड के लिए बोल रहे हैं तो वो 1/4 भाग के लिए प्रवेश करके पूंजी कितने लाती है, 50,000, और ख्याति के लिए कितने लाती है, 10,000। साफ साफ दे दिए ख्याति के लिए कितनी लाएगी, 10,000। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति पहले से कितनी विद्यमान है, 5,000। आरती भारती सारथी के बन के लाभ अनुपात क्या होगा, 2:1। नई पुस्तक में आपसे रोज नाम चार पुष्टि कीजिए, तो देखो पुष्टि कैसे होगी। सबसे पहले आरती कैपिटल और गुडविल लाएगी, उसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कौन आई है, सारथी, सारथी कैपिटल टू गुडविल। अब गुडविल के कितने लेके आई है, 10,000, और कैपिटल के 50,000, तो गुडविल के 10, कैपिटल के 50, टोटल कितने लेके आई, 60, टोटल कितने लेके आई, 60,000। उसके बाद आपको गुडविल को डिवाइड करना है, गुडविल को डिवाइड किस रेशियो में करोगे, त्याग के अनुपात में, किस अनुपात में करोगे, पुराना कितना दे रखा है प्रश्न में, नया कितना दे रखा है, ये तो पहले वाला प्रश्न ही है, क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट करें, क्या कर पा कितना आना है, दो तीन आगे तो सीधे गुड़ी को दो तीन में पाते। गुडविल अकाउंट डीआर टू कौन कौन पार्टनर है, आरती भारती
गुडविल के 10,000 किस रेशियो में देंगे? 2:3 में 4,000 और 6। बोलो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फर्म की पुस्तक में 5,000 रुपए से गुडविल है। फर्म की पुस्तक कितने गुडविल है? और कल मैंने बताया अगर फर्म की पुस्तकों में गुडविल हो तो उसे क्या करते हो? फर्म की पुस्तकों में गुडविल हो तो उसे क्या करते हो? बंद करो। तो चलो बंद कर देते हैं। तो फर्म की पुस्तकों में बंद करने की तिथि लिखाई थी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल, और कौन से रेशियो में? पुराने अनुपात। कौन से रेशियो में? तो ओल्ड पार्टनर भारती भारती कैपिटल अकाउंट डीआर भारती कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल कितनी है? पुस्तकों में गुडविल 5,000। किस रेशियो में बंद हो रही? पुराना पुराना क्या है? 3:2 3,000 2,000 और 5,000। दर्शन इसका क्या हुआ खत्म आया समय में? अकॉर्डिंग टू सब इंट्रीज है जो लिखाई हुई है साथ ही कैपिटल और गुडविल के लिए गया है कितने? 50:10 टोटल कितना हो गया? 60। गुडविल बटेगी कौन से अनुपात में? त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात अगर प्रश्न में नया पुराना दोनों दे रखा हो तो त्याग के अनुपात का सूत्र लगा दो, क्या है? पुराना माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया तो पुराने वाला ही प्रश्न था। 3:2 2:1 अभी तो लिखा था नेक्स्ट नहीं तो 2:3 आने वाला है 2:3 में बांट। फिर क्वेश्चन में एक डिमांड होती है कि गुडविल खुली हुई हो रही पुस्तकों में विद्यमान है। मैंने बोला था विद्यमान बोल देगा, लिखा हुआ बोल देगा, सम्मिलित बोल देगा, तो उसे क्या कर दो? बंद कर दो। उसे क्या कर दो? और बंद करने की लिखाई थी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट गुडविल और कौन है? आरती भारती। गुडविल कितने? 5। बंद हो जाएंगे कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में 3:2 खत्म। उतार लो इसको क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक्स वाई एक फर्म में साझेदार है तो 4:3 में लाभ आने वाले हैं 7,000। वे जेड को कितने सीक्रेट प्रिवेंस देते हैं? 1/8। जेड 20,000 रुपए की पूंजी और 1/8 भाग के 7,000 रुपए की ख्याति लाता है। बाकी आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें 7,000 की खाती लाता है और 20,000 की खाती पुस्तकों में दिखानी चाहिए। छोड़ो आप इतना ही याद रखो कितनी कैपिटल ला रहा है? 20,000 की कैपिटल और 7,000 की खाती ला रहा है। ले लो एंट्री करो तो क्या एंट्री होगी बोलो देखें। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल कौन ला रहा है? जेड टू जेड्स कैपिटल टू गुडविल। गुडविल कितने लाया कैपिटल के? टोटल कितने हो गए? कैश
जेड कैपिटल गुडविल को डिवाइड कर दो किसमें, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो, पर्सन में कुछ नहीं बोला तो सैक्रिफाइस क्या होगा, ओल्ड रेशियो, देखो वो एक मिनट याद किया कुछ नहीं बोला किससे क्या लूं, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस, इंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, 7000 की गुडविल और पुराने पाते बढ़ जाएगी क्या है 4-3 तो 4000 और क्वेश्चन क्या हुआ समाप्त। तो इसमें कोई डाउट है हो गया, तो इस तरीके से हमने आज कर लिए 21 तक परसेंट करेंगे। इसके अलावा आपको जो एग्जांपल दे देते हैं आज इसमें, कल उड़िया कार्तिक एग्जांपल दिए थे हमने, बताओ कल कार्तिक एग्जांपल दिए थे चार पांच छह सात में, आज उनसे आगे से दे देते हैं, आज कर लाना आप एग्जांपल 8-9-10 8-9-10 ये तीन एग्जांपल कर लेना ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।